दोस्तों, एक आम इंसान के लिए सॉइल उसके ज्यादा काम की चीज नहीं है, बल्कि इंजीनियर के लिए सॉइल वो सरफेस है जिस पर रोड्स और बिल्डिंग्स बनाए जा सकते हैं। वहीं किसी फार्मर के लिए सॉइल एक नेचुरल हैबिटेट है जहां प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सभी की नज़र में सॉइल को देखने का नजरिया अलग अलग होता है, पर असली सवाल तो ये है कि आखिर सॉइल बनता कैसे है, ये आता कहाँ से है, रॉक्स कैसे बनते हैं। मिलेगा सबका जवाब, बने रहिए इस वीडियो पर, कहीं जाइएगा मत। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एग्री फैक्ट्स में। दोस्तों, पहले हम ये जान लेते हैं कि रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, रॉक तीन टाइप से बनते हैं। इसमें सबसे पहले आता है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के भी दो कैटेगरी होती है, पहला वोल्केनिक, दूसरा प्लूटोनिक। वोल्केनिक रॉक्स वोल्केनो के इरप्शन से बनते हैं, जब वोल्केनो के अलावा अर्थ क्रस्ट के बाहर हर जगह फैलकर लेयर पे लेयर बना देता है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मिनरल्स का मोल्टन मैग्मा है। इसका सॉलिडिफिकेशन अर्थ क्रस्ट के बाहर होता है और बहुत ही रैपिडली होता है, इसलिए ये ज्यादा चमकदार नहीं होते। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसे बेसाल्ट रॉक कहते हैं। आपने सड़क बनते वक्त या घर की ढलाई होते वक्त ये पत्थर जरूर देखे होंगे, ये वही पत्थर हैं। और इसी प्रकार ज्वालामुखी के मोल्टन मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर ही सॉलिड हो जाते हैं, इसे ही प्लूटोनिक रॉक कहा जाता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनका सॉलिडिफिकेशन होने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए ये रॉक्स बिल्कुल क्रिस्टल की तरह चमकदार दिखाई देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ग्रेनाइट, डियोराइट और साइनाइट, ये सभी प्लूटोनिक रॉक हैं। किचन के फ्लोर बनाने के लिए जो पत्थर का उपयोग किया जाता है, ये वही ग्रेनाइट पत्थर है, जो कि बिल्कुल चमकदार और खूबसूरत दिखाई देते हैं, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात। अब आ जाते हैं रॉक फॉर्मेशन के सेकंड मेथड पर, इसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो आपको आगे पता चलेगी। मैं आपको ये बता दूं कि सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन इग्नियस रॉक से ही होता है। आप सोच रहे होंगे, पर वो कैसे? इग्नियस रॉक जो है वो कई रीजन की वजह से अपने सतह से घिसते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि इग्नियस रॉक के टुकड़े कई वजह से एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर होते रहते हैं। अब होता यह है कि रॉक के पार्टिकल ट्रांसफर होकर एक जगह पर इकट्ठा होते रहते हैं। अब ऐसे ही किसी दूसरे ज्वालामुखी से बने इग्नियस रॉक के पार्टिकल भी उसी जगह पर जाकर इकट्ठे होते जाते हैं, जो समय के साथ साथ हार्ड होते जाते हैं। ये प्रोसेस कई हजारों सालों तक चलता रहता है, और ऐसे होते होते कई मोटे लेयर बन जाते हैं, और वो रिएक्शन की वजह से एक जगह सख्त हो जाता है। खास बात तो ये है कि ये लेयर्स विजिबल होते हैं, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। और उससे भी खास बात तो ये है कि इन्हीं रॉक्स में डायनासोर्स के फॉसिल्स भी मिलते हैं, जो कि बहुत ही गजब की बात है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इन्हीं रॉक्स में ही क्यों, तो मैं आपको ये बता दूं कि कई सालों के रॉक फॉर्मेशन के दौरान जब रॉक्स में लेयर्स बन रहे थे, तब उन लेयर्स के बीच में डायनासोर्स के बॉडी भी आ गए और रॉक्स ने उन्हें ढक लिया। और केवल डायनासोर ही नहीं, डायनासोर के युग के कई सारे एनिमल्स, सभी की बॉडीज रॉक्स के अंदर प्रिजर्व हो जाती है। इसी तरह के सेडिमेंट्री रॉक्स पैलेंटोलॉजिस्ट फॉसिल ढूंढने के लिए एक्सप्लोर करते हैं, है ना, बिल्कुल गजब की बात। इन सभी स्टोन्स के नाम आपने पहले सुने ही होंगे, जैसे लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, डोलोमाइट और सेल रॉक्स। ये वही लाइम स्टोन है जिसका उपयोग सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। डोलोमाइट को ऑर्नामेंटल स्टोन भी कहते हैं, क्योंकि ये दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर होता है। अब आते हैं रॉक फॉर्मेशन के सबसे लास्ट प्रोसेस में, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है, और ये तीन टाइप के रिएक्शन से बनते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये पुराने रॉक्स के एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन इसलिए क्योंकि ये सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक से ही बनते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स में वाटर के डिस्टर्बेंस से रॉक्स के प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसे हाइड्रोमेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल के रूप में देखा जा सकता है सैंड स्टोन को, जो वाटर के रिएक्शन से क्वार्ट्ज स्टोन में चेंज हो जाता है, जो कि बिल्कुल डायमंड की तरह दिखाई देता है। और यदि रॉक्स टेम्परेचर की वजह से अपने प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाते हैं, तो उन्हें थर्मोमेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। जैसे मार्बल, जो कि लाइमस्टोन में हाई टेम्परेचर क्रिएट होने से बनता है। इसका एक और फॉर्म है डायनामोमेटामॉर्फिक रॉक, ये बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने से बनता है। 90s के टाइम में जो बच्चे स्लेट का उपयोग लिखावट के लिए करते थे, ये वही स्लेट है जो कि सेल रॉक में अधिक प्रेशर की वजह से बनता है। दोस्तों, हमने इतने सारे रॉक्स के बारे में जाना, और ये भी जाना कि आखिर ये बनते कैसे हैं। और लास्ट में इन्हीं रॉक्स से बनते हैं सॉइल्स, क्योंकि ये रॉक्स मिनरल्स के बने होते हैं, और यही मिनरल्स वापस सॉइल के रूप में ट्रांसफर हो जाते हैं। दोस्तों, रॉक से सॉइल बनने के प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं, और ये वेदरिंग कई प्रकार से होती है जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इसमें होता यूं है कि रॉक से सॉइल बनने के लिए रॉक्स कुछ नेचुरली कंडीशन की वजह से छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, और वो पार्टिकल्स केमिकल प्रोसेस से अपने प्रॉपर्टीज में चेंजेस ले आते हैं और सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों, ऐसे कंडीशंस कई तरह से बन सकते हैं, तो आइए पता लगाते हैं कि ऐसे कौन से कंडीशन है जिसकी वजह से रॉक्स सॉइल्स में कन्वर्ट होते हैं। इसमें पहला है रेनफॉल। आपने नदियों में रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े तो देखे ही होंगे, जो हैवी वाटर की वजह से घिस घिस कर छोटे होते जाते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि नदियों में इतने सारे बालू आते कहाँ से हैं? जी हाँ, आपने सही सोचा, ये पत्थरों के छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स ही हैं। ये पार्टिकल्स किसी न किसी जगह पर इकट्ठा होते रहते हैं, और धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन की वजह से सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉइल के फॉर्मेशन के लिए कुछ बायो एजेंट भी काम करते हैं, जैसे प्लांट के रूट्स। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, जंगलों में आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स चट्टानों के ऊपर ही ग्रो कर जाते हैं। इससे होता यह है कि प्लांट्स के रूट्स उन चट्टानों को तोड़ देती हैं, और अगर चट्टान टूटेंगे तो पार्टिकल्स तो अलग होंगे ही। अर्थवर्म भी सॉइल को मिक्स करने का काम करते हैं, जो कि सॉइल फॉर्मेशन का ही एक हिस्सा है। वैसे ये प्रोसेस इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस कई हजारों सालों तक चलता रहता है, तब जाकर सॉइल की एक पतली सी लेयर बन पाती है।
आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सॉइल की 1 सेंटीमीटर थिक लेयर बनने में 400 से 500 साल का समय लग जाता है। मैं आपको एक और खास बात बता दूं कि रॉक पार्टिकल्स के अलग होने के बाद अधिक टेम्परेचर और अधिक वाटर सॉइल बनने के प्रोसेस को तेज करता है। डेजर्ट इलाकों में आपने देखा होगा कि वहाँ केवल सूखी रेत होती है जो कि केवल सैंड पार्टिकल के ही होते हैं, जबकि सॉइल सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर होता है। डेजर्ट इलाकों में पानी की कमी से उन पार्टिकल्स में केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वहाँ सॉइल ना के बराबर ही होते हैं। तो ये थी सॉइल बनने की पूरी कहानी, जो कि मिनरल्स यानी कि खनिज से स्टार्ट होकर मिनरल्स पर ही खत्म हुई। दोस्तों, सॉइल का फॉर्मेशन बहुत ही लंबा प्रोसेस है, जिसमें कई प्रकार के नेचुरल फिनोमिनास मिलकर सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, और ये हमारे लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी इस तरह के वीडियोस ला सकूं। अब मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।